जैसे जैसे 12 मई नज़दीक आ रही है, प्रत्याशी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंके हुए हैं चुनाव प्रचार में। फरीदाबाद में कमोबेश यही माहौल है, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और सभी प्रत्याशी, चाहे बीजेपी के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, बसपा के हों या INLD के हों, सभी मैदान में उतर चुके हैं। और जिस तरह से मई की तपिस गर्मी की बढ़ती जा रही है, उससे भी ज़्यादा कहीं सियासी पारा फरीदाबाद में गर्म होता दिख रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी और JJP के गठबंधन प्रत्याशी पंडित नवीन जय हिंद मौजूद हैं। उनसे ही बात कर लेते हैं कि वो फरीदाबाद में किस तरह से चुनावी नैया को अपनी को पार लगाने वाले हैं। नवीन जय हिंद जी, पहले सबसे पहला सवाल तो ये कि फरीदाबाद पहुंचने पर पंडित नवीन जय हिंद बने हैं या उससे पहले भी पंडित नवीन जय हिंद थे? अरे भाई साहब, पंडित उपाधि होती है, पंडित पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे तो पंडित होते हैं, पंडित बोला तो पढ़े लिखों को ही जाता है। जातिवाद के नाम तो थोड़ी वोट मांग रहा हूँ मैं, इसलिए वोट थोड़ी मांग रहा हूँ कि मैं पंडित हो तो पंडित मेरे को वोट दो। जिस तरह हमारे बड़े चौकीदार मांग रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि मैं तेली हूँ तेली मेरे को वोट दो, जिस तरह हमारे चौकीदार मुख्यमंत्री खट्टर साहब मांग रहे हैं कि मैं पंजाबी हूँ पंजाबी मुझे वोट दो, मैं तो नहीं कह रहा यहाँ कहीं पे। हम तो काम के आधार पे मांग रहे हैं कि भाई देवीलाल ने काम करवाए थे कि नहीं करवाए थे, केजरीवाल ने काम करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं दिल्ली में। तो भाई हम तो सिद्ध ही बात है, काम के आधार पे मांग रहे हैं। भाई काम करवाने हैं लोगों को तो आप और JJP को दे दो, और अगर कांड करवाने हैं तो BJP को दे दो। और भाई साहब, झाड़ू का बटन दबावेंगे लोग, सीधी बात है, देखना आप, झाड़ू का बटन दबावेंगे और नकली चौकीदारों को भगावेंगे। जब आप काम और कांड की बात करते हो तो कौन से कांड और कौन से काम की बात करते हो? काम की बात करता हूँ मैं, बिजली पानी स्कूल हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर काम किए हैं, देवीलाल जी ने पेंशन लागू करी, किसानों के लिए काम करा, ये काम है। कांड है भाई साहब पूरा फरीदाबाद, पूरा आप देखो ना, हरियाणा की बात कर लो, फरीदाबाद की बात कर लो, अवैध कब्जे, दूध की दुकान से ज़्यादा दारू की दुकान, गुंडागर्दी अलग से, मतलब काम कुछ कराया नहीं ना। पूरा फरीदाबाद देखो स्मार्ट सिटी बना रखा है, कहने को है ना, ये चौकीदार मतलब फरीदाबाद का कूड़ा तक नहीं उठा पाया। अवैध कब्जे, दुनिया भर की अपनी बिल्डिंग, सरकारी स्कूल सरकारी हॉस्पिटलों का सत्यानाश कर दिया, अपने प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट स्कूल खोल लिए, तो इससे बड़ा क्या होगा? अगर और जिस तरह से चौकीदारों को लोग झाड़ू और चप्पल दिखा रहे हैं ना, थोड़ी भी शर्म होती कृष्ण पाल जी को, थोड़ी भी शर्म होती ना, तो अब तक तो नामांकन वापस लेके घर बैठ जाना चाहिए था। लेकिन अब वो घर तो बैठ गए, लोगों ने उनको हरा दिया, वो घर बैठ गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई मेरे बड़े चौकीदार के नाम से वोट दे दो, तो क्या है ये? इसका मतलब काम करवाए नहीं, काम करवा रखे होते तो बताते कि ये हैं। तो भाई साहब इनका तो काम वो, इसीलिए हम कह रहे हैं, अगर भाई देखो विकास करवाना हो तो केजरीवाल और देवीलाल के नाम से वोट दे देना, काम करवाए हैं असली वाले जो आम आदमी को पता है। अरे भाई विकास से लोगों ने चाहिए है, और नाश करवाना है तो फिर BJP तो बढ़िया कोई पार्टी है नहीं। पंडित नवीन जैन जी, कृष्ण पाल गुर्जर के 5 साल और उनकी 5 नाकामी, पूरा का पूरा फरीदाबाद अवैध कब्जों से, गुंडागर्दी से, महिला सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं, यहाँ पे दूध से ज़्यादा दारू की दुकान है, पूरा का पूरा शहर पोल्यूटेड, अरावली पाड़ खा गए थे, सुप्रीम कोर्ट का भला हो रोक दिया, पूरे शहर का कूड़ा मतलब कूड़ेदान बना रखा भाई साहब इन्होंने, मतलब ना तो और सबसे बड़ा आप प्रशासन को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं ये चौकीदार ऐसे हैं। और एक सबसे बड़ी बात है वो समझ में नहीं आती, अब सारे चौकीदार बन रहे हैं और सारे चौकीदार बनने के बाद फिर भी सिक्योरिटी में घूमे हैं, क्यों भाई? चौकीदार का काम होता है सिक्योरिटी करना, सुरक्षा देना, ये अजीब चौकीदार हैं, खुद सिक्योरिटी ले ले, 50-50 सुरक्षाकर्मी ले घूमे हैं। नवीन जी, अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो आपके 5 कौन से काम होंगे जो आप फरीदाबाद के लिए करेंगे? देखो सबसे बड़े काम है कि फरीदाबाद के लोगों को से बात करके बैठ के, देखिए जब तक आप प्रशासन और जनता दोनों नहीं मिलते तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता। अब इन्होंने प्रशासन से सबसे पहले प्रशासन का जो कब्जा कर रखा है ना वो छुड़वाना, प्रशासन को गुलाम बना रखा है। जब आप प्रशासन को छुड़वाओगे और प्रशासन को काम करने के लिए कहोगे कि भी काम करना, प्रशासन का काम है पैसा इकट्ठा करना और चौकीदारों की जेब भरना, हम प्रशासन को मुक्त कराएंगे गुलामी से इन चौकीदारों की। पोल्यूशन का बहुत बड़ा मुद्दा है, बिजली का, पानी का, सरकारी स्कूल हॉस्पिटल, महिला सुरक्षा, भाई साहब ये काम है जो जनता चाहती है। अरावली का पहाड़ है उसको बचाना ज़रूरी है, वो सिर्फ पहाड़ नहीं है,
जिंदगी है लोगों की वो। लेकिन आप देखो फरीदाबाद की स्थिति ये है, 90% बच्चे पैदा ही दमे के मरीज होंगे। अरे जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो चौकीदार हो, लोगों को जीने तो दे कम से कम ढंग से। हवा यहाँ की खराब हो रही, पानी यहाँ दुनिया में मतलब बेइज्जती करवा दी, चौकीदार क्या कर रहे थे? पूरी दुनिया में फरीदाबाद पोल्यूटेड उसमें आ गया, कोई मदर यूनिट नहीं यहाँ पे, रोजगार का सबसे बड़ा पंगा खोल के दिए दारू के ठेके, अपना दूध मिलता नहीं, दारू कितनी पियो, लोग पी के अपना नशेड़ी बन जाएंगे, पड़े रहेंगे। तो भाई साहब ये हमारे मुख्य जो एजेंडा है, मुख्य बात है कि जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और जनता के साथ मिलकर जब हम ये चीज़ करेंगे तो जनता साथ देती है भाई साहब, और जनता ने पूरी तरह तय कर लिया है अब की बार चौकीदारों के ऊपर झाड़ू फेरेंगे। तो क्या मानते हैं जिस तरह से केसरीपाल गुर्जर का विरोध जगह जगह देखने को मिल रहा है, तो उसके पीछे ये वजह कि उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया? भाई विरोध क्यों करेगा कोई, इसीलिए तो करेगा ना कि झूठ बोल रखी थी। अब झूठ बोल रखी थी ना तो 15 लाख रुपये मांग रहे हैं लोग, अब जा रहे हैं जहाँ पे, वो तो कोई काम तो नहीं करा, काम करे नहीं तो काम मतलब लोग तो काम पूछेंगे। गुंडागर्दी अलग से कर रखी है, गुजर की गुंडागर्दी चल रही है और कुछ नहीं। जहाँ पे चले जाओ आप मामा बन जाओ, मामा बन चाहिए, अरे कहाँ लेके जाओगे इतना पैसा? गरीब की सेवा कर लो, आम आदमी कुछ सेवा कर देते 100 साल जी जाओगे, 100 साल से 200 साल तो कोई जीतता नहीं। अब 100 साल के नाम के कितने एक पैसे की जरूरत होती है? ये तो बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पे करोड़ों रुपये का खेल तो रोज होता है। तो इसका मतलब ये है कि चौकीदारों से जनता परेशान है, छोटे हों चाहे बड़े हों। और भाई साहब हम तो लोगों से यही कह सकते हैं भाई काम करवाया दिल्ली में, देवीलाल जी ने काम करे हैं, किसानों के लिए काम करे हैं, लोग बुजुर्ग हैं जो पेंशन ले रहे हैं उन्हीं की देन है। केजरीवाल ने जो एक आम आदमी को जरूरत होती है बिजली 24 घंटे सबसे सस्ती, 20,000 लीटर पानी फ्री। क्या आप दिल्ली का जो उदाहरण है वो फरीदाबाद में पेश करना चाह रहे हैं? भाई साहब वही है हमारे पास, तो हमारे पास तो झूठ तो है नहीं, हमारे पास हेमा मालिनी तो है नहीं, है हमारे पास तो काम है, हमारे पास कोई वो जुमले तो है नहीं, काम है। अरे लोगों को भी यही समझा रहे हैं, अरे ये जात के नाम तय, धर्म के नाम तय, पक्ष क्षेत्र के नाम तय, भाषा के नाम तय लड़ाएंगे बढ़ाएंगे, काम नहीं करेंगे, कांड करेंगे ये बीजेपी वाले। ये जितने चौकीदार बने हुए हैं ना सारे ठेकेदार बन जाएंगे जीतते ही, पिछली बार चाय वाले बने थे अब चौकीदार बने हैं। तो भाई साहब लोगों को हम तो समझा सकते हैं, बता रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, अब वो लोगों को तय करना है। भाई लोग ये कह रहे थे एक तरफ कुआं था एक तरफ खाई थी, अब तो बीच में स्विमिंग पूल आया हुआ है भाई साहब, सरकारी स्कूल लोगों में स्विमिंग पूल बना रखा है हमने, काम करने वाले आदमी हमने, कोई माल इकट्ठा करना नहीं, कोई अवैध कब्जे करने नहीं, कोई गुंडागर्दी करनी नहीं, गुंडागर्दी को जड़ते मिटा देंगे हम, इतनी कह सकते हैं। बलिदान सब ने दिया है, भगत सिंह ने भी दिया, चंद्रशेखर आजाद ने भी दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, अशफाक उल्ला ने, सब ने दिया भाई, हर जात धर्म के लोगों ने बलिदान दिया है, ये ठेकेदार बने घूमे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश का राष्ट्रवाद अलग है और भाजपा का राष्ट्रवाद अलग है? नकली राष्ट्रवाद है इनका राष्ट्रवाद है? अरे भाई साहब ये वो है सही दौरे थे एकदम, एक पुलवामा में हमारी तरफ, मतलब आप देखो कि वहां पे तो सैनिक सही दौरे थे और ये कच्चे पहन पहन गए, उनके फोटो लगा गए और रैलियां कर रहे थे। इनका नकली राष्ट्रवाद है, इनका झूठा राष्ट्रवाद है। इस देश का हर आदमी राष्ट्रवादी है, हर इंसान किसी जाति धर्म का कोई भी हो, और हर जगह गंदा आदमी हर जगह मिल जाएगा। और भाई साहब ये तो एक नंबर के झूठे देश में, इससे बड़े झूठा कोई हो नहीं सकता। इनके सारे चौकीदार, हम तो एक बात कहें लोगों से भाई, 23 तारीख है, 23 तारीख ने ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, 23 तारीख ने जनता आप देख लेना, ये जितने भी नकली चौकीदार बने घूम रहे हैं ना, इनको असली चौकीदार बनाओगे भाई साहब, इनको सारा ना डीसी रेट पे जो है ना चौकीदार का नौकरी करवाओगे, हम बताओगे चौकीदार क्या होता है, मजाक बना रहे यार लोगों का। तो इनका तो भाई साहब हम तो देखो लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, झूठ की फेम खवा रखी है, बहका रखा है, झूठ बोले जहाँ तड़के थे सुबह से रात तक झूठ झूठ झूठ, अब लोगों को बहका रखा है, लोगों को समझा रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए भाई देख लो। अरे भाई किसी ने कुएं में कूदना है, रखाई में कूदना है, तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये तो रही चौकीदारों की बात, और जो पुराने चौकीदार थे अवतार सिंह भड़ाना, वो फिर मैदान में है। अरे आप समझो ना बात है, कांग्रेस तो स्टार कैंपेनर है, हाँ स्टार कैंपेनर है बीजेपी की, किस तरह बीजेपी को जिताना है,
और वो चौकीदार तो तब 2 महीने तक पहले तो चौकीदार है तो था वो भी, वो चौकीदार की नौकरी वहां से छोड़ी है उसने, वो दूसरा आधा चौकीदार है, उसको आप आधा चौकीदार कह सकते हैं। कांग्रेस ने क्या किया, देखो यूपी के अंदर मायावती जी मुलायम जी का गठबंधन था, इनका सुपड़ा साफ होना था, खुद लड़े उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर, उनके खिलाफ जाके कांग्रेस वाले लड़े, कम्युनिस्टों के खिलाफ वहाँ केरल में जाके लड़े। तो भाई किसके खिलाफ लड़ रहे हो तुम? अरे तुम्हारी हिम्मत होनी चाहिए थी, केजरीवाल लड़ा था मोदी के खिलाफ जाके, लड़ा था कि नहीं लड़ा था? वहां से लड़ते ना उनके खिलाफ, सेटिंग है कुछ नहीं है इनका, मैं आपको बताऊं। अगर भाई ठीक है करो तुम, अब वो सेटिंग या तो डरा धमका कुछ ना कुछ ले रखा ही होगा, या भाई इन्होंने आपस में बढ़िया सेटिंग हो रही है, अगर ठीक है राज करो, तुम्हारी कौन सी एसपीजी अटर्नी है, अपने चलता रहेगा ऐसे ही। लेकिन बार बार जब मामा भांजे का जिक्र अवतार सिंह भड़ाना करते हैं तो फिर भी आपको सेटिंग सही लगती है वो? अरे भाई साहब ये कहने की बात है नहीं, लेकिन मामा भांजे पर आरोप तो है नहीं, नहीं ये कहने की बात उनकी है, छोटे चौकीदार जो आधा चौकीदार है, आधा चौकीदार है वो कहने के लिए। अब एक थोड़े दिन पहले वो फुल चौकीदार था, ये भी चौकीदार थे ना, तो अब तो आप लोगों के सामने कहे क्या, क्या कहेगा भाई बताओ? अरे माल कमाया है इन्होंने, मड़ाई कमाई है, कब्जे सब्जे उल्टे सुलटे सारे काम करके जनता का खून चूस के लूट लूट करके अपना कमा रखा है, अपने पास तो कुछ है नहीं भाई, अपने को तो जो जनता देगी उसी में चुनाव लड़ लेंगे, बाकी ऊपर वाला हर नीचे जनता है। आपकी नज़र में भी मामा भांजा मुद्दा है क्या फरीदाबाद में? मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है भाई साहब, फरीदाबाद में किसी तरफ आंख घुमा लो वहीं कुछ ना कुछ मामा का मिल लगा, नहीं तो भांजे का मिल लगा। तो ये तो पूरा का पूरा फरीदाबाद, मैं थोड़ा मतलब कह रहा हूँ ये बात है, मैं जो बात कह रहा हूँ ना पूरा फरीदाबाद चिल्ला रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, इसीलिए चिल्ला चिल्ला के लोगों ने जूते अपना चप्पल और झाड़ू दिखाए हैं, अग भाई निकलो यहाँ से। तो हम तो लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, अग भाई नौजवान खासकर नौजवानों को, अग भाई ये जात के नाम पर धर्म के नाम पर चौकीदार के नाम पर लोगों से आप वोट ले जाएंगे, फिर बाद में आप बैठे रहना ठगे रहोगे। तो हम तो नौजवानों से वो कर रहे हैं, अग भाई दुष्यंत चौटाला एक नई सोच है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी देवीलाल जी इन लोगों ने काम किए हैं, ऐसा काम करके दिखा देंगे। और भाई साहब 3-4 महीने बाद सरकार बननी है अपनी, विधानसभा चुनाव है, अपनी सरकार बनेगी, हम दिखाओगे काम करके कैसे होते हैं। जजपा का कितना साथ मिल रहा है आपको? पूरा साथ है जजपा का, आप गठबंधन है तो सारा साथ मिल रहा है, हर जगह कार्यकर्ता सारे मिलजुल के, सारे क्रांतिकारी कार्यकर्ता अपने पास। तो पंडित नवीन जय हिंद का जीतने के बाद में एड्रेस क्या होगा? एड्रेस फरीदाबाद का कोई भी घर है कितने भी ले लेंगे भाई साहब, किराए पर वैसे तो लिया नहीं जा, क्योंकि आपने चोरी चोरी की तो कर नहीं रखी, कोई भी किराए पर आप जिसे आदमी तो कह देंगे, कोई ना कोई तो मिल जा कहीं पर भी ले लेंगे। जैसे अवतार सिंह भड़ाना को कहते हैं कि वो दिल्ली में ही रहा करते थे, नवीन जय हिंद रोहतक में तो नहीं रहेंगे जीतने का? अरे नहीं भाई साहब, पूरा देश अपना हर जगह रहेंगे, पूरा देश अपना कहीं से चुनाव लड़ लें, कोई ये थोड़ी है। बात है कि लोगों की समस्या के लिए अवेलेबल है कि नहीं है आदमी, क्योंकि मैं सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ आपसे, कृष्णपाल गुर्जर का जो विरोध हो रहा है गाँव में इसीलिए हो रहा है कि वो 5 साल तक पहुँचे नहीं वहाँ। मैं तो भाई साहब गाँव का आदमी हूँ, गाँव में रहना पसंद करते हैं, लोगों का देखो जिस तरह से प्यार प्रेम मान सम्मान मिल रहा है ना, हमने वो काफ़ी है, हम कि कहीं नहीं जाने वाले आम आदमी हैं, और जिस तरह आम आदमी है आम आदमी काम करवाते हैं। हम तो अभी भी दिल्ली में हमारी सरकार है, कोई हमारे को कहता है किसी भी तरह की समस्या, किसी न किसी के रिश्तेदार हैं जानकार हैं, अब भी समाधान करते हैं। तो हम तो भाई साहब काम करने वाले आदमी हैं और काम करके दिखाया है, बाकी तो जनता ने देखनी, हम तो ये करें मुशेरे भाई हैं ये, कुछ नहीं करें दे रहे, लोगों को सावधान करने की बात है। आम आदमी है भाई साहब, और आम आदमी है खुट्टा पाड़ेगा मानेंगे इस बीजेपी का, कांग्रेस तक खुट्टा नहीं पट्टा है या सेटिंग कर रही है कांग्रेस, हम इसलिए कह रहे हैं आप और जेजेपी जो है वो इस बीजेपी का खुट्टा पाड़ेंगे, और इनके बस का नहीं है किसा ये झाड़ू आपकी चलेगी, इस झाड़ू से कितनी वोट इकट्ठी कर लोगे? दिल्ली में कितनी हुई थी भाई साहब, चमत्कारी पार्टी है, हमने थोड़ी बेरा है जनता कितना प्यार दे दे, दिल्ली में किसी को था कि ये 70 में 66 सीट आ जाएंगी? जनता का कुछ नहीं पता भाई साहब, आम आदमी पार्टी चमत्कारी पार्टी है, और अब हम तो जहाँ पे जा रहे हैं लोग झाड़ू हाथ में ले मिले हाथ में, अब कब की बार साफ कर देंगे इनको,
आपकी बात चौकीदारा पर चला कि झाड़ू देख लेना। कृष्ण पाल गुर्जर या मोदी साहब जो वादे किए, जिस तरह से आप उन्हें जुमले बता रहे हैं, 15 लाख की बात हो या स्मार्ट सिटी की बात हो, आप तो जनता के बीच कोई ऐसा वादा नहीं करेंगे जो 5 साल में पूरा ना कर पाए? ना ना, मतलब नहीं, एक भी झूठ नहीं बोलेंगे। कहाँ जाएंगे झूठ देख के? ऊपर वाला देखने लग रहा है, ये तो मतलब बेशरम हो रहा है आदमी का, कोई वो दीन मन थोड़ी है। क्यों झूठ बोलनी है भाई, किस लिए इन झूठ बोल? मतलब देखो, जो आदमी, जो चौकीदार, जो पार्टी, अरे राम को भी बेच दिया भाई साहब इन्होंने तो, एक ईट लगवा दी राम की, राम के नाम पर भी राजनीति करी, लगवाई। बोले कश्मीरी पंडितों को बस से लेके जाएंगे कश्मीर, एक भी पंडित ले गए कश्मीर, बसा दिया इन्होंने। 370 हटाएंगे, हटा दी इनने। अरे भाई साहब, जिसमें थोड़ी भी बुद्धि है वो, हम तो उनको बता रहे हैं भाई ये एक नंबर के झूठे हैं। अब कह रहे हैं हम, मतलब इनके पास है क्या? देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान तक डरावे हमने। अरे पाकिस्तान आके सोदा यार, पहले 3 बार हरा रखा है पाकिस्तान, पाकिस्तान से डरा के वोट ले रहा है। अरे हद है अपना, बताना 5 साल में क्या करा चौकीदार, ये बता। पाकिस्तान से डराता है, फिर मुसलमानों तो डरावे है। अरे किन से डरा रहा है भाई तू? वो खुद अल्पसंख्यक है, हम प्यार प्रेम तो भाईचारे में रहने वाले आदमी है, हम पंडित बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला की परंपरा के आदमी है, भाईचारे से रहने वाले। मुसलमानों के नाम तो डरा, फिर सेना ने लिया हुआ। 3 वर्ड निकलवा दो इन सारे चौकीदारों के वर्ड से। अब चुनाव आयोग ने तो जेब में लेकर घूमे घर, चुनाव आयोग की तो बेचारे की है कोई ना कुछ। 3 वर्ड निकलवा गए, वोट नहीं मांग सकते, ये एक भी बात जो कह दें तो 3 वर्ड बस। कौन ये? एक तो पाकिस्तान, एक मुसलमान और एक सेना, 3 चीजों से वोट मांग रहे हैं। चौथा इनके पास कोई, बताओ ना कितने सरकारी स्कूल खोले, अरे बता दो ना भाई, बताओ मतलब कितने, मतलब इन सरकारी हॉस्पिटल बढ़िया कर दिए, कितने इन रोजगार दे दिए, कितना इन किसानों का भला कर दिया, कितना मजदूरों कर दिया, कितनी इन्होंने कंपनी लगा दी, कुछ तो बता दो। मतलब हद है भाई साहब, तो झूठा का कोई तो वो होता होगा। वो कहते हैं हरियाणवी में कहावत है, भूखे की वाह उड़ जाती है, मतलब भूखे आदमी ग्रो कर जाता है, झूठा नहीं करता। लेकिन भाई साहब कलयुग चल रहा है, और तो कुछ नहीं, हमने तो कलयुग है, नहीं तो इस तब बड़े झूठा, मतलब इन चौकीदार ना तो बड़ा झूठा कोई हो तो बता दो। जो इनके आदमी है ना, वे भी हाँ झूठ तो बोल रहे हैं भाई, पर क्या करें राजनीति है। अरे इतनी क्यों बोल लो भाई, थोड़ी ले लो। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, किस तरह आगे आपके कार्यक्रम होने वाले हैं 12 मई तक या 10 मई? हमारे तो रोज के कार्यक्रम हैं, लोगों के बीच में जाएं, सीधे जाएं डोर टू डोर, लोगों के पास जाऊँ, हाथ जोड़े हैं, बात करें हैं, उनको बताएं हैं, अगर भाई काम करके दिखाऊंगे, काम करें हैं, केजरीवाल ने काम करें ना करें तो बताओ। फरीदाबाद दिल्ली के नज़दीक है, क्या दिल्ली की सरकार पहुंचेगी फरीदाबाद में आपके लिए वोट मांगने? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे, दुष्यंत जी पहुंचे थे, और लगातार आए हैं, लगातार कैंपेन करें हैं। अब सारे कैंपेन करके हम तो यही बता सके हैं, अगर भाई काम करवाने हैं तो आप और JJP को वोट दे दियो, कांड करवाने हैं तो BJP को वोट दे दियो, विकास करवाना है तो आप और JJP को दे दियो, नाश करवाना है तो BJP को दे दियो, और हम तो प्रूफ देने की जरूरत तक होना जनता ने देख रहा है। हरियाणा में 10 सीट हैं, गठबंधन में आप हैं, फरीदाबाद आकर नवीन जय हिंद का चुनाव लड़ना जरूरी क्यों? कहीं से लड़ लें, पूरा देश अपना, कश्मीर तक कन्याकुमारी तक कहीं से लड़े भाई साहब। भाई तो वजह रही होगी, कुछ नहीं, वजह क्या है भाई साहब, एक बात आओ, वजह यही है कि भाई चौकीदार जो है, ठाठे ठाठे जो भी चौकीदार थे, बताते हैं बड़े बड़े गुंडागर्दी करते हैं चौकीदार, तो हम देखें भाई कोई बात नहीं, हम तो कफन बांध के चले हैं, भगत सिंह को मरने वाले आदमी हैं, आप आना डरते ही हमराज थे भी, तो इनका तो डराने का सवाल ही क्या पैदा हुआ। तो मैं चलो देख लें, लोगों की समस्या तो उठावें, लोगों से बातचीत करें, पता तो करें क्या चल रहा है। भाई साहब जहाँ पर भी जाओ है ना, बस लोग नुगे हैं ये बोल रहे हैं, अक भाई साहब इन चौकीदार आँख उठा पड़ दे, इनकी गुंडागर्दी तो बहुत दुखी हो ली है, सब की बात यही है। ऐसा तो नहीं है दिल्ली में जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो पहले NCR के हिस्से को उसके साथ जोड़ के पहले इसको आगे बढ़ाया जाए, इसके विकास को फरीदाबाद के आगे बढ़ाया जाए, इसलिए आपको यहाँ भेजा गया? अरे भाई साहब हमारा काम ये है विकास, और करके दिखाया है, झूठे कौन है, हम झूठे नहीं है, हमने तो करके दिखाया है भाई।